ये साइलेंस इज किलिंग मी, तो आप जो चुप हो ना, ये इनसे बर्दाश्त के बाहर है इनका, ठीक है। जो आप कभी चुप नहीं होते थे, आप हमेशा यू नो इनिशिएट करते थे कॉन्टैक्ट, आप इनको मनाते थे माफ़ कर दो और नहीं करूँगा नहीं करूँगी वाली चीज़, अभी ये बहुत मिस कर रहे हैं और आपकी साइलेंस जो है वो इनको इनका इनकी जो जान ले रही है, ठीक है, इनको अंदर अंदर खा रही है आपकी साइलेंस। नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री, आज फिर से एक नया रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विश्री ट्रिपल वन में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, इस सेशन में हम चेक करेंगे आज निदा नादिया जी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उनका एक टॉपिक था कि अचानक से आपके पार्टनर आपसे नफरत क्यों करने लगे। हम नफरत तो नहीं देखेंगे, बट हम देखेंगे कि वो अचानक से आपसे बात क्यों बंद कर दिया उन्होंने, क्यों आपसे वो बात नहीं करना चाहते हैं और क्यों वो इस सेपरेशन को लेकर आए हैं। ओके, सो ये हम चेक करेंगे। इसको नफरत से मत लीजिएगा, बट हाँ, ऑब्स्टेकल से ज़रूर लीजिएगा कि क्या ऑब्स्टेकल आए हैं आपके रिलेशन में, जो आपके बीच सेपरेशन आ गया है और आप दोनों की बातचीत जो है वो बंद हो गई है, ठीक है। तो इसको करंट फीलिंग के साथ हम देखेंगे इस क्वेश्चन को, ओके, और हम चेक करेंगे कि क्या चाहते हैं वो, क्या फील कर रहे हैं वो और आगे वो क्या करेंगे, ठीक है। सो टाइमलेस रीडिंग है, जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप होती है, इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको इस रीडिंग से ज़रूर मिलनी है, चाहे ये रीडिंग आपके पास कितनी भी साल बाद आए, ये रीडिंग आपकी हो सकती है। ओके, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हैं आप देख सकते हैं, किसी भी लव इंटरेस्ट के लिए आप ये रीडिंग देख सकते हैं। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, बस इतना ही दिमाग में रखना है, सब कुछ आपके साथ मैच करे ये ज़रूरी नहीं है, बहुत टाइम आपके साथ सब कुछ मैच करती भी है ना। सो जिस तरह से चीज़ें रेजोनेट कर रही है आप उस तरह से लें, ज़बरदस्ती की चीज़ों को फिट इन करने की कोशिश ना करें। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। पॉजिटिव हो जाएं, अच्छा सोचें, अच्छे अपना अपने पार्टनर के बारे में कुछ अच्छे अच्छे ख्याल, अच्छे अच्छे थॉट्स लेके आएं, ताकि यू नो कनेक्ट करें उनसे, ताकि उनके दिल की बात हमें पता चले कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं, अचानक से क्या हो गया कि सब कुछ ख़राब हो गया। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग, उनके लिए क्या है, क्या हुआ उनके रिश्ते में, ऑब्स्टिकल क्या आया, अचानक से बात क्यों बंद कर दिया उन्होंने और इतनी चीज़ें अचानक से क्यों बिगड़ गई। प्लीज़ गाइड माय डियर डिवाइन, माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज, वन मोर टाइम प्लीज़। Five of Pentacles. Ace of Pentacles. Okay. Three of Cups. Ace of Wands जो कि obstacle में है, okay? Over passionate energy जो है आपकी, वो है obstacle इस रिश्ते में। Three of Wands, कुछ decision ले रहे हैं, oh my God! Two of Cups, overall energy प्यार की ही है, ठीक है, अभी भले ही वो जैसा भी behave कर रहे हैं, overall जो energy है वो प्यार की है, love की है, ठीक है, equality की है, love respect की है, soulmate की है। Please guide divine, some more messages please. Some more messages please divine. मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स को अचानक से क्या हुआ कि वो बात करना बंद कर दिए, इस रिश्ते के ऑब्स्टिकल को बताएं डिवाइन। माई एंजल्स टॉक टू मी प्लीज, वन मोर टाइम प्लीज। Solitude, I'm sorry for the background noise, आज बहुत ज़्यादा noise है, सामने में
टेम्पल है वहाँ कुछ पार्ट चल रही है, तो फिर उसका भी बहुत ना सामने में ही बॉक्स लगी हुई है, तो उसको वो भी आपको बहुत ज़ोर से साउंड आ रहा होगा। ट्विन फ्लेम स्टेजेस, सो कुछ लोग यहाँ स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकते हैं, सोलमेट, कुछ लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, फ्रीडम, आप में से कुछ लोगों के लव लाइफ में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, आपके पार्टनर किसी और से मैरिड हो सकते हैं, या फिर कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट के चलते आप लोगों के बीच सेपरेशन आया है। ठीक है, गेट टू नो ईच अदर, सो यहाँ अर्थ साइन, वाटर साइन और मुझे आज फायर साइन ज़्यादा दिख रही है मैनिफेस्ट, आज एयर साइन नहीं दिख रहा है मुझे रीचिंग आउट। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों की रीडिंग नहीं है ये, ठीक है, मैं बार बार यही बोलती हूँ, टैरो एनर्जी पे बेस्ड होती है, साइंस पे नहीं। समो गाइडेंस प्लीज डिवाइन, समो गाइडेंस प्लीज। इस रिश्ते का ऑब्स्टिकल बताएं डिवाइन, वन मोर टाइम प्लीज। द रिबेल, ट्रांसफॉर्मेशन, स्लोइंग डाउन, पार्टिसिपेशन, ओके, एंड पेशेंस, एक्सपीरियंस, ओके। सो कार्ड्स दिख रहे हैं, एक मिनट हाँ। सो करंट फीलिंग अगर हम देखें, उनकी आज की फीलिंग अगर हम देखें, पास्ट में ज़रूर ये इंसान को कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ था या फाइनेंशियल इश्यूज थे कुछ, ठीक है, कुछ इनको प्रॉब्लम थी, और या फिर ये अपने आप को आपसे कम समझते थे, या फिर आप अपने आप को इनसे बहुत ज़्यादा समझते थे, ठीक है, या फिर आप इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, या फिर आप इनको कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे, और इस इंसान को ऐसा लग रहा था कि आप हमेशा इनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, ठीक है, आप अपने आप को सुपीरियर समझते हो इनसे, आप अपने आप को इनसे ज़्यादा समझते हो, मे बी स्पिरिचुअली आप इनको कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हो, और इनको ऐसा लगता हो कि यू नो आप दिखा रहे हो ज़्यादा, आप शो ऑफ कर रहे हो, या फिर आप में ईगो है, स्पिरिचुअल ईगो भी हम कह सकते हैं इसको, ठीक है, ऐसा कुछ। या फिर कुछ लोगों के लिए इस इंसान ने आपसे फाइनेंशियल हेल्प मांगी थी जो कि आपने नहीं की है, उसका गुस्सा इनको है, ठीक है, पास्ट की एनर्जी है इनकी, पास्ट में ये आपसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे थे सच में। आज की एनर्जी इनकी अगर देखें तो आज ये एक न्यू बिगनिंग ज़रूर चाहते हैं इस रिश्ते में, एक फ्रेश स्टार्ट ज़रूर चाहते हैं, एक सॉलिड बिगनिंग ज़रूर चाहते हैं। पेंटिकल का कार्ड है और वी एस ऑफ पेंटिकल मीन्स ये इंसान सॉलिड बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ, ठीक है, वो पास्ट का इसकी सारी चीज़ें ऑन एंड ऑफ और वो सब नहीं, बट एक सॉलिड बिगनिंग ज़रूर चाहते हैं, इनका मन है आपके साथ फिर से रिस्टार्ट करें ये, और एक कमिटमेंट आपको दे, अगर आपके बीच मैरिज पॉसिबल नहीं भी है तो उस टाइप का कमिटमेंट नहीं, फिर भी एक कमिटमेंट होता है ना कि इस रिश्ते को अच्छे से निभाने की कमिटमेंट, या फिर आपकी बात सुने, इस तरह का कोई ऐसा कुछ ऐसा कमिटमेंट ही देना चाहते हैं, ठीक है, कुछ आपसे वादे करना चाहते हैं इंसान, कुछ यू नो सॉलिड एक बिगनिंग ज़रूर चाहते हैं, ये एक सेलिब्रेशन ज़रूर चाहते हैं जो कि मुझे दिख रहा है फ्यूचर में, तो ये एक सेलिब्रेशन आपसे चाहते हैं, इनको आपके साथ रह के एक यू नो एक खुश रहने का एक मौका मिलता है, हंसी मजाक या फिर यू नो किसी और की बातें, या फिर कुछ भी अपने फीलिंग्स को शेयर करना, आपके साथ बहुत कुछ शेयर करना, इस तरह की कुछ चीज़ें ऐसी जो कि आपके साथ ये सेलिब्रेट करते हैं, आपके साथ आपकी प्रेजेंस को ये सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। बहुत पैशनेट हैं आपके लिए, लेकिन ये क्योंकि ऑब्स्टिकल में आया है कार्ड, तो ये खुद को रोक रहे हैं, जो भी अपने अंदर का जो पैशन है ना उनको दबा रहे हैं ये, ठीक है, वेट कर रहे हैं और आपकी तरफ नहीं बढ़ने के लिए खुद की जो फीलिंग्स है उसको सप्रेस्ड कर रहे हैं, ठीक है, तो खुद को रोकना
प्रोकास्टिनेट करना, चीज़ों को डिले करना, ठीक है, चाहना लेकिन उसको फिर भी नहीं करना, इस तरह की एक एनर्जी है इनकी, क्योंकि ये इस चीज़ को रोक रहे हैं, फोर्सफुली अपने इमोशंस को सप्रेस्ड कर रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ने से खुद को रोक रहे हैं। हालांकि ये इंसान कोई डिसीजन ज़रूर लेना चाहते हैं, कोई एक बड़ा डिसीजन ये लेने वाले हैं, ठीक है। ये डिसीजन कुछ भी हो सकता है, आपके लव लाइफ से रिगार्डिंग हो सकता है, या फिर कुछ और चीज़ से, इनके किसी और रिलेशन से रिलेटेड हो सकता है, या फिर इनके फाइनेंस से रिलेटेड हो सकता है। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि ये आपसे रिलेटेड है और ये कुछ बड़े डिसीजंस लेने वाले हैं। ओवरऑल जो एनर्जी है वो है टू ऑफ कप्स की। ओवरऑल आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है इनके मन में, ठीक है, इक्वली फीलिंग है, जैसे आप फील करते हो वैसे ही इंसान फील करते हैं। हालांकि ये आपसे यू नो एक्सप्रेस नहीं करते होंगे, अपनी फीलिंग्स को छुपाते होंगे, हाइड करते होंगे, या फिर ऐसा दिखाते होंगे कि आपका रहना नहीं रहना इनके लाइफ में कोई कोई मतलब नहीं रखता है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि इनकी हालत ऐसी है। अभी बहुत एन्जाइटी में है ये इंसान, डिप्रेशन में है, लॉस की एनर्जी है, धोखे की एनर्जी है। इनको लग रहा है आपने बिट्रेल किया इनको, आपने इनको धोखा दिया है। आप पहले बड़ा सोलमेट करते थे, सोल से कनेक्टेड थे, और अभी आपको कुछ पड़ी नहीं है, ठीक है। आपने इनको धोखा दे के अपनी ज़िंदगी को आराम से आप कंटिन्यू कर रहे हो, आपको कोई दिक्कत नहीं, कोई मतलब नहीं है, और सारे जो पेंस है वो इन्होंने लिया है, ऐसी एक एनर्जी इनकी है। थोड़ा सा नाटक भी कर रहे हैं, मुझे दिख रहा है थोड़ा ड्रामा कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ ऐसी एक एनर्जी की रातों की नींद इनकी उड़ी हुई है, सो नहीं पा रहे होंगे, प्रॉब्लम हो रही होगी सोने में, बैक की इशू इनको ज़्यादा होगी, हेल्थ इश्यूज हो सकती है, एनजाइटी हो सकती है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। ओके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है, ठीक है। आँख में पट्टी बंदी है, समझ ही नहीं आ रही कि करें क्या, जाएं कहाँ, क्या करें, कैसे ठीक करें। हर तरफ जैसे लगता है कि सब जैसे रोक रहे हैं इनको आपके पास आने के लिए, और ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, और पूरी कायनात जो है वो इनको रोक रही है आपकी तरफ बढ़ने के लिए, ऐसी इनकी एक फीलिंग है। ओवरऑल जो एनर्जी है वो द लवर्स की भी है, तो प्यार ये इंसान आपसे बहुत करते हैं, ठीक है। जिस तरह से आप इनको प्यार करते हैं उसी तरह से ये भी आपको प्यार करते हैं, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन आपका हो सकता है, ये सोलमेट हो सकते हैं कुछ लोग यहाँ पे, ठीक है। एक ऑफ़र ज़रूर देना चाहते हैं आपको, ये बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हैं ये इंसान आपसे, ठीक है, इमोशनली। जब भी आपसे ये मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं, ये कोशिश तो करते हैं डेफिनेटली, लेकिन ये आपसे मूव ऑन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अगर ये आपको भूलने की कोशिश भी करे, इनको आपके नाम, आपके आपका डेट ऑफ बर्थ, आपके मोबाइल नंबर, ये आपसे रिलेटेड कोई भी चीज़ इनको इतना ज़्यादा दिखने लगता है, इनके सामने इतना ज़्यादा रिफ्लेक्ट होने लगता है कि ये आपसे कहीं ना कहीं फिर से जुड़े रहते हैं, ठीक है, आपसे कहीं ना कहीं जुड़े रहते हैं, पूरी तरह से आपसे डिस्कनेक्ट ये नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं आपसे ये इंसान, मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये इंसान आपको ज़रूर से, मैनिफेस्ट नहीं भी कर रहे हैं अगर तो आप इनके दुआओं में ज़रूर शामिल हो, ठीक है। आपसे बहुत ज़्यादा अडिक्टेड हैं ये इंसान, बहुत ज़्यादा, ओ माई गुडनेस, ओ माई गॉड। ये जो है एक एक ऑफ़र लेके आ रहे हैं आपके पास, इनके बैक ऑफ द माइंड में इनके पास एक ऑफ़र ज़रूर है आपके लिए, और इसके बारे में आपसे बात करेंगे, कोई एक स्टेबिलिटी इस रिश्ते में लेके आने की कोशिश करेंगे, मिल के बैठ के बात करके, कहाँ हम रॉन्ग जा रहे हैं, किस तरह से ये रिलेशन ख़राब हो रही है, हम क्या कर सकते हैं आगे, इस तरह का कोई डिस्कस आपसे ज़रूर करेंगे ये, ठीक है। इनको लग रहा है कि आपकी तरफ से सब कुछ ख़त्म हो गया है, आपने सब कुछ ख़त्म कर दिया है, आप मूव ऑन हो गए हो, आप मूव ऑन कर गए हो, इनको पीछे छोड़ के आप आगे चले गए हो, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। माय गॉड, माय गुडनेस, इनकी हालत सच में बहुत ख़राब है, ठीक है, ये जो भी दिखा रहे हो, बट इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से सब कुछ ख़त्म हो गया है, और ये अपना प्यार अंदर भर के बैठे हैं और ये दिखा नहीं रहे हैं, क्योंकि आपका प्यार ख़त्म हो गया तो ठीक है, इनको भी फ़र्क नहीं पड़ता है, ऐसी एक एनर्जी इनकी है, लेकिन ये कर नहीं पा रहे हैं वो चीज़, ठीक है। इनको आपके पास आना है, आपके साथ रहना है, आपके साथ एक सेलिब्रेशन इनको चाहिए, एक सक्सेस आप इनको चाहिए, लेकिन ये खुद को रोक रहे हैं, क्योंकि एस ऑफ वॉन्स का कार्ड जो है वो ऑब्स्टिकल में आया है, तो ये खुद को रोक रहे हैं, ज़बरदस्ती का रोकना, जिसको कहते हैं ना कि अपने फीलिंग्स को सप्रेस करना, छुपाना, हाइड करना, नहीं दिखाना, तो हर तरफ से ये अपने फीलिंग्स को जो है वो हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये इनकी करंट फीलिंग है, आज की फीलिंग। अब ये इंसान आपको छोड़े क्यों, छोड़ के गए क्यों, और ऑब्स्टिकल क्या आया इस रिश्ते में, हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ऑब्स्टिकल क्या आया आपके रिश्ते में, इनको ऐसा लगा, कुछ लोगों के लिए तो ऐसा कि इन्होंने फाइनेंशियल हेल्प आपसे मांगी थी, सपोर्ट, और आपने नहीं किया, इसलिए इनको गुस्सा आ गया कि
यू नो पहले आप सपोर्ट करते थे इनको फाइनेंशियल, और अचानक से आपने इनको मना कर दिया होगा कि नहीं आप नहीं करोगे इनको हेल्प सपोर्ट, तो फिर इनको ये गुस्सा आ गया कि आप इनकी तकलीफ़ को नहीं समझ रहे हो, ठीक है। ये फाइनेंशियल इनको क्राइसिस थी सच में लास्ट कुछ दिनों में, और इनको कहीं से कोई हेल्प चाहिए थी, कोई सपोर्ट कहीं से इनको चाहिए थी जो कि इनको कहीं से मिली नहीं, और इनको ऐसा लगा कि कोई भी इनके साथ नहीं है। इनफैक्ट आप भी बोलते तो है आप कि इनके साथ है, इनके सुख दुख में हमेशा आप खड़े रहोगे, लेकिन आपने इनका साथ नहीं दिया। तो ये एक गुस्सा इनको है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपको अपने आप से ज़्यादा मानते हैं और ख़ुद को आपसे कम मानते हैं। मतलब इनको ऐसा लगता है कि आप ज़्यादा शो ऑफ करते हो कि आपको बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ज्ञान है आपको, या फिर बहुत ज़्यादा यू नो ब्यूटी का आपको घमंड है, या फिर आपको विजडम बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नॉलेज है आपको, कुछ चीज़ का यू नो घमंड आप में है, ऐसा इनको लग रहा है, लग रहा था। पास्ट की एनर्जी इनकी है, ठीक है, इसलिए इंसान आपसे दूर होते गए, ठीक है। इनको लगा कि आप हमेशा इनको एक यू नो एक इनकी कमी हमेशा बताते हो, आप हमेशा इनको ऐसा दिखाते हो कि इनके अंदर वो चीज़ें नहीं है जो आपके अंदर है, ये आपके बराबर नहीं है, ये आपको मैच नहीं करते हैं, आपके कंपैटिबल नहीं है ये। इनको ऐसा लगा कि हमेशा आप इनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हो, ठीक है। ये कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर को चेस करते हो, बहुत ज़्यादा उनमें इन्वॉल्व रहते हो, इसलिए ये इंसान आपसे भागे हैं, ठीक है। ये बहुत कम लोगों के लिए है, ठीक है, कि आप उनको चेस कर रहे थे इसलिए वो भागे हैं। मैक्सिमम लोग के लिए ऐसा है कि आप इनको अपने आप से कम समझते थे, या फिर आप इनको हमेशा यू नो इनकी कमियां, इनकी गलतियां इनको बताते थे जो कि इनको पसंद नहीं आता है, और इनको ऐसा लगता है कि यू नो जो भी इनके साथ रहे वो हमेशा इनकी तारीफ़ करें, इनके इनको बटरिंग करें, इनका हमेशा अच्छा बोले, तो ही ये इंसान खुश रहते हैं, ठीक है। जब आप इनकी बढ़ाई करोगे, इनकी तारीफ़ करोगे, तो ये बहुत खुश रहेंगे। एक किंग वाली फीलिंग इनको हमेशा चाहिए होती है, और वो किंग वाली फीलिंग आप इनको नहीं दे रहे थे पास्ट के कुछ दिनों से, ठीक है। आप हमेशा उनको जो है नीचे गिरा के, या फिर उनको उनकी गलतियाँ दिखा के बात कर रहे थे जो कि इनको पसंद नहीं आया, और इसलिए आपसे वो डिस्टेंस क्रिएट किए, ठीक है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे थे जिसके चलते इन्होंने डिस्टेंस क्रिएट किया, ठीक है। अब आप अपनी सिचुएशन देख ले, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो यू नो कुछ अलग अलग सिचुएशंस आपके हो सकते हैं, ठीक है। ये इंसान आपसे अलग हो के अपनी एक ज़िंदगी की न्यू बिगनिंग ज़रूर करना चाह रहे थे, लेकिन ये आपको बता नहीं रहे थे, ठीक है। ये अंदर अंदर थी इनकी बातें कि ये अपनी यू नो कहीं और फोकस करना चाह रहे थे आपसे। इनको लग रहा था कि यू नो कुछ ऐसा स्टेबल ये कुछ करें जिससे कि इनकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। कहीं अलग जगह ध्यान हो सकता है इनका, ऐसा हो सकता है कि ये इंसान जो है किसी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो गए थे और जिसके चलते उन्होंने आपको इग्नोर किया। मे बी आपके पर्सन जो है वो मैरिड हो सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये है, तो ये वहाँ फोकस करने लगे थे, या फिर ये किसी और पे फोकस करने लगे थे, किसी और पे ध्यान दे रहे थे, ताकि ये जो इनके ऊपर जो प्रेशर था फाइनेंशियल, या फिर जो भी प्रॉब्लम इनके ऊपर थी, वहाँ से ये रिलीज़ होना चाहते थे, ठीक है। जिसके चलते ये ध्यान जो है अपना यहाँ वहाँ देने लगे। इनको कहीं भी सुकून चाहिए थी, शांति चाहिए थी, जो आपके पास इनको नहीं मिल रही थी उस टाइम पे, ठीक है। आप हमेशा इनको नीचा दिखा रहे थे, आप हमेशा इनको इनकी गलतियां गिना रहे थे जो कि इनको पसंद नहीं आ रही थी, और इसलिए ये इंसान आपसे भाग रहे थे। इनको कहीं और फोकस करना था ताकि ये उस एनर्जी से निकल पाएँ, तो इसलिए ये इंसान आपसे यू नो मूव ऑन करने की कोशिश की, या फिर आपको किसी और के ऊपर फोकस करने की कोशिश कर रहे थे, किसी और को जानने की, किसी और को समझने की, ताकि एक फ्रेश फीलिंग रहे, और ये जो कैसे बताऊँ, ये जो बहुत इमोशनल जो बर्डन इनके ऊपर था, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन, इमोशनल बर्डन जो इनके ऊपर था, इससे ये रिलीज़ हो सके और एक फ्रेश एनर्जी में रह सके, इसलिए इनका ध्यान कहीं और भटका था, ठीक है। जिसके चलते ये आपसे दूर हो रहे थे। कुछ डिसीजन ये ज़रूर लेना चाहते थे बट ये ले नहीं पाए, ठीक है। ये आपसे मूव ऑन करके कहीं किसी और के साथ ये फोकस करना चाहते थे, जो ये कर नहीं पाए, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि ये पूरे अपने बिजनेस में फोकस कर रहे थे, ठीक है। आपसे दूर होके ये अपने बिजनेस में फोकस कर रहे थे कि अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करें, वहाँ कैसे एक सक्सेस इनको मिले, क्योंकि इनको फाइनेंशियल लॉस हुई थी जो कि उसको वो रिकवर करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए वो आपसे दूर हो रहे थे। और आपको समझाने पर आप समझ नहीं रहे थे, आप नेगेटिविटी ज़्यादा लेके आ रहे थे। मे बी आप में डाउट ज़्यादा होगा, इनसिक्योरिटी आप में ज़्यादा होगी उस टाइम पे, आप ज़्यादा आर्गुमेंट कर रहे होंगे, आप ज़्यादा इनको फ़ोन करके परेशान कर रहे होंगे, या फिर मैसेज आप बहुत सारे मैसेज कर रहे होंगे। जो आपका एक पैशनेट एनर्जी था ना, मैंने इनके लिए एक इनसिक्योरिटी, एक बहुत ज़्यादा पैशन,
ये उनसे भाग रहे थे उस टाइम में, क्योंकि इनको अपने करियर पे फोकस करना था, ठीक है, लॉस है और वहाँ अपने फाइनेंस पे मुझे फोकस करते दिख रहे हैं, क्योंकि इनको सक्सेस चाहिए अपने प्रोफेशनल लाइफ में, इनको एक लग्जरियस लाइफ चाहिए, ठीक है, ये लेस में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे फाइनेंशियली, ऐसे कुछ लोगों के लिए ऐसे दिख रहा है, ठीक है। तो आपका जो पैशन था वो इस रिश्ते पे ऑब्स्टिकल बना था उस टाइम, आप ओवर पैशनेट, ओवर गिविंग जो आपका जो एक नेचर है उसके चलते ही ये इंसान आपसे दूर भाग रहे थे। तो होता ये है हमेशा कि जब आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा अवेलेबल होगी या फिर आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा करते हो कुछ भी, तो सामने वाला इंसान उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता है, उनको पता है कि ये तो है ही, है ना, कहीं हम और कहीं भी अगर हम अपना फोकस चेंज कर ले तो भी जब हम पलट के आए तो ये तो यहीं खड़े रहेगी या रहेगा, है ना। तो इसलिए ओवरली किसी के लिए नहीं करना चाहिए, अब अगर ओवर आप कर रहे हो किसी के लिए तो फिर वो चीज़ ऑब्स्टिकल बनती ही है, वो इसलिए क्योंकि हमने सुना है कि अति सर्वत्र वजते, ऐसा कुछ है ना तो जब चाय में चीनी बहुत ज़्यादा हम डाल देते हैं, अगर नॉर्मल से भी थोड़ा ज़्यादा डाल देते हैं तो हम नहीं पी पाते हैं उसको, राइट, उसी तरह से नमक हम बहुत ज़्यादा डाल देंगे तो भी हम नहीं पी पाएंगे, जबकि ये दो चीज़ बहुत नेसेसरी है हमारे लाइफ के लिए, है ना, मीठा और नमक, उस वो दो चीज़ ही जब ज़्यादा हो जाती है तो हम नहीं खा पाते हैं खाना, हमें वो फेंकना ही पड़ता है ना। तो वैसे ही होती है चीज़ें, वैसे ही आपकी फीलिंग्स होती है, ओवर अगर आप किसी को कर रहे हो, किसी के लिए ओवरली आप कर रहे हो तो वो इंसान आपको फॉर ग्रांटेड ले लेगा, फिर वो यू नो, आपसे वो प्यार रिस्पेक्ट आपके लिए नहीं रहेगा उनका। अब इनके जगह में आप खुद को भी रख के देखेंगे तो भी आपको समझ में आएगी चीज़ें कि 24 घंटा अगर आपको कोई फोकस करके बैठे रहे, आपको ही ध्यान देते रहे, आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, तो आपको खुद से गुस्सा आने लगेगा, है ना। तो ऐसे ही होता है, ओवर कभी भी नहीं करें किसी भी रिश्ते में, ठीक है, एक बैलेंस मेंटेन करना ही हमारा काम है, हम यही सीखने के लिए यहाँ पे आए हैं, है ना। द लाइफ इज़ ऑल अबाउट बैलेंस, तो हमें यही सीखना होता है, बैलेंस क्रिएट करना हर रिश्ते में, हर सिचुएशन में हमें बैलेंस क्रिएट करना होता है ना। तो वो आप बैलेंस में नहीं थे उस टाइम में, आप ओवर पैशनेट हो रहे थे इनके लिए, जो कि इस रिश्ते में ऑब्स्टिकल बना था, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे ओवर क्रिएटिविटी अपना दिखा रहे थे, ओवर टैलेंट दिखा रहे थे अपना, अपने पार्टनर के सामने कि हमारे अंदर तो इतनी टैलेंट है, हमारे अंदर तो इतनी क्रिएटिविटी है, जिसके चलते ये आपसे भागे हैं, ठीक है। इनको ऐसा लगा कि आप हमेशा इनको नीचा दिखाते हो और आप खुद को ऊपर रखते हो, तो इसलिए इस वजह से ये इंसान आपसे भागे हैं। ओवरऑल जो एनर्जी है दोनों के बीच वो ज़रूर से सोलमेट की एनर्जी है, इक्वालिटी की एनर्जी है, तो स्पिरिचुअल लव है। अगेन मैं यही कहूँगी कि स्पिरिचुअल लव में जब तक आप अपनी वर्थ नहीं समझते हो, जब तक आपके पार्टनर आपकी वर्थ नहीं समझते हैं, जब तक दोनों हायर वाइब्रेशन में नहीं आते हैं, तब तक आप दोनों के बीच ऐसे प्रॉब्लम्स चलते रहेंगे। अब देखिए यहाँ जितने भी कार्ड्स हैं वो यही बता रहे हैं, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन आपके पर्सन का चल रहा है, जिसको कि वो बहुत अच्छे से उस पर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जैसे उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए वैसे वो नहीं कर रहे हैं, हालांकि उनकी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो चल रही है, और जो डिवाइन मस्कुलाइन की जो मस्कुलाइन एनर्जी का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो हमेशा यूनिवर्स के द्वारा होता है, वो खुद से हीलिंग विलिंग नहीं करते हैं, ठीक है, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो हीलिंग करते हैं, और जो करते हैं उनको बहुत बेनिफिट भी होता है, तो जो कि बहुत लॉस और बहुत ग्रीफ जो सहना है वो सब अगर नहीं सहना है तो फिर ये अपनी हीलिंग करें तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा इनके लाइफ में। और एक चीज़, ये ट्विन फ्लेम स्टेजेस है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि सारे लोग आप लोग ट्विन फ्लेम्स नहीं हो सकते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल कनेक्शन में स्टेजेस होते हैं, जो कि आपका भी टेस्ट होता है और आपके पार्टनर का भी टेस्ट होता है, और ये जो पीरियड है ये पीरियड जो है आपके टेस्ट का ही है, टेस्ट एंड ट्रिगर, ओके। लास्ट ईयर अक्टूबर से लेके 10-10 के पोर्टल के बाद से टेस्ट एंड ट्रिगर का टाइम होता है, जब यूनिवर्स आपके लाइफ में ऐसे कोई लोग को भेजते हैं, ऐसे लोगों को भेजते हैं जिनको देख के आपको ये लगेगा कि यू नो, इस पार्टनर के साथ तो हम इतने टेंशन में हैं, और वो जो मेरा सोलमेट होगा जो मुझसे इतना प्यार करता है या करती है, हम उनके साथ मूव ऑन कर जाते हैं, ठीक है, ऐसी मेंटालिटी, ऐसी यू नो, ऐसे थॉट्स आपके आ सकते हैं, और यही आपका टेस्ट होता है कि कितने ज़्यादा डेडिकेटेड हो आप इस रिश्ते के लिए, कितने डेडिकेटेड हो अपने पार्टनर के लिए। और जब आप मूव ऑन करते हो उनके साथ तो आपके लाइफ में स्टार्टिंग के जो डेज होते हैं उसमें आपको फिर बड़ा यू नो, बबल फेज फील होता है, लेकिन फिर प्रॉब्लम्स जो हैं वो डबल ट्रिपल होके आपके सामने आते हैं, राइट। तो ये टेस्ट एंड ट्रिगर का टाइम था जब आपके पर्सन जो हैं वो टेस्ट पे यू नो, आई डोंट नो, फेल हुए कि पास हुए तो आपको पता होगा। तो इनके सामने कुछ सिचुएशंस ऐसे जरूर डाले गए थे जिनको, जहाँ से कि इनको टेस्ट में पास होना था, इनको अपना टेस्ट देना था, और
ये उस टाइम सॉलिट्यूड में थे, अकेलापन, अकेले आपको यू नो फील करना, अकेले में रहना, तो एक डार्क नाइट ऑफ द सोल वाली भी सिचुएशन थी उनकी, जब वो किसी से बात नहीं करना चाह रहे थे, आपसे भी नहीं, किसी से भी नहीं, ऐसी एक पीरियड उनकी थी, ठीक है। और मे बी आप नहीं समझ रहे होंगे इनके इस सॉलिट्यूड वाला जो चल रहा था, डार्क नाइट ऑफ द सोल वाली सिचुएशन जो थी, उसमें आप इनको समझना नहीं चाह रहे थे। मे बी आपके बीच बहुत ज़्यादा फाइट कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे होंगे और आप लगातार इनको टेक्स्ट और कॉल कर रहे होंगे, तो इस चीज़ से ये इरिटेट हुए हैं, ठीक है। उस टाइम इनको फ्रीडम चाहिए थी सबसे, यू नो उस टाइम ये अपने आप को फील करना चाहते थे, ये अपनी जर्नी को फील करना चाहते थे, ये उस टाइम समझना चाहते थे बहुत सारे चीज़ों को, और किसी एक रिलेशन से ये फ्रीडम चाहते थे, मे बी ये आप और मे बी जो थर्ड पार्टी है उनसे, ठीक है। तो किसी से इनको फ्रीडम चाहिए थी क्योंकि ये बहुत एग्जॉस्ट हो रहे थे, मे बी दो लोगों के बीच या फिर अपने फाइनेंशियल इश्यूज़ के बीच, ठीक है। कहीं ना कहीं ये जो हैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रहे थे, जहाँ से इनको फ्रीडम चाहिए थी उस टाइम, ठीक है। गेट टू नो ईच अदर का कार्ड जो है वो ऑब्स्टिकल में है, तो ये इनको ऐसा लग रहा था कि आप जो दिखाते हो आप वो हो नहीं, और जो आप हो आप वो नहीं दिखा रहे हो, ठीक है। तो आपके ऊपर एक डाउट इनको उस टाइम ज़रूर थी कि आप जो प्यार प्यार करते हो वो प्यार आपका नहीं है, इसलिए ऐसा हो सकता है क्योंकि शायद आपके पार्टनर ने आपसे फाइनेंशियल हेल्प मांगी हो उस टाइम और आपने मना कर दिया हो, तो इनको ये लगा कि आप हमेशा बोलते हो कि आप इनके साथ रहोगे बट आप इनका साथ नहीं देते हो, ठीक है। ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए। नाउ ये इंसान अब जो है आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अब आपके साथ ये चाहते हैं कि चीज़ों को ठीक करें और आपके साथ ही आए, ठीक है। ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहे थे बहुत सारी चीज़ें और इनको नहीं मिल रही थी, जिसके चलते ये जो है फ्रस्ट्रेट हो गए थे। कुछ लोगों के लिए ये इंसान जो है कोई डिसीजन को मैनिफेस्ट कर रहे थे, ठीक है। कुछ ऐसा डिसीजन ये लेना चाहते थे जिसको ये मैनिफेस्ट कर रहे थे, और यू नो डार्क नाइट ऑफ द सोल, अकेले रहना, किसी से बात नहीं करना, किसी तक रीच नहीं करना, आपसे बात नहीं करना, लोगों से कटना, अपने आप में रहना, एक ऐसी इनकी बिहेवियर थी जिससे कि आप इरिटेट हो रहे थे, क्योंकि आपके अंदर बहुत पेशेंस है, पैशन है, तो आप इनसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे और आपसे ये डिस्कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे थे, तो वहाँ क्लैश हो गया आप लोगों का, ठीक है। एक जन कनेक्ट करना चाहता है और एक जन कनेक्ट नहीं करना चाहता है, और आप ज़बरदस्ती कनेक्ट करना चाह रहे थे जिसके चलते क्लैश हो गया। अब आप इनको ऐसा है कि आपने इनको समझा नहीं, इनकी उस टाइम में यू नो सिचुएशंस इतनी अच्छी नहीं थी, इनके फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे थे, इनका मेंटल कंडीशन इतना अच्छा नहीं था, ठीक है। आपने इनको उस टाइम नहीं समझा, तो ये सब इनके मन में बहुत सारी जो नेगेटिविटी आपके लिए उस टाइम आ गई, ठीक है। ये आपसे रिच आउट नहीं करना चाह रहे थे, आप तक पहुँचना नहीं चाह रहे थे, और आप ज़बरदस्ती इन तक रिच आउट करना चाह रहे थे, जिसके चलते प्रॉब्लम्स और बढ़ी, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया होगा, या फिर आपके कॉल को नहीं रिप्लाई कर रहे होंगे, या फिर आप मैसेजेस कंटिन्यू कर रहे होंगे और ये देख के भी रिप्लाई नहीं कर रहे होंगे, या फिर बहुत दिन तक नहीं देखते होंगे। तो ये सारे जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, इनको लगा कि ये आपको नहीं, इनको लगा कि आप इनको नहीं समझ पाए, आपको लगा ये आपको नहीं समझ पाए, तो एक यू नो एक पूरा का पूरा एक मिसअंडरस्टैंडिंग जो है यहाँ पे वो क्रिएट हुई है, ठीक है। एक दूसरे को नहीं समझ पाना, अंडरस्टैंडिंग नहीं होना, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, ये सब आपके जो रिश्ते का ऑब्स्टिकल है। ये अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हैं, ठीक है। ये चाहते हैं कि जो चाहें वो ये कर पाएं, इनको किसी की ज़रूरत ना पड़े, किसी का सपोर्ट इनको नहीं चाहिए, किसी से एक्सपेक्ट नहीं करें, ये इनकी खुशी इनके हाथ में हो, इनका इनकी लाइफ का कंट्रोल इनका हाथ में हो, ये चाह रहे हैं, ठीक है। ये अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, चाह तो रहे हैं लेकिन काम नहीं कर रहे हैं। मे बी ट्रांसफॉर्मेशन उनकी यूनिवर्स के द्वारा उनकी ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर हो रही होगी, कुछ ऐसे चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे होंगे इंसान ज़रूर से, जिससे कि यू नो सारी चीज़ें ठीक हो जाएं। ये इंसान अभी स्लो डाउन हुए हैं, अपने आप को ये इन्होंने स्लो डाउन किया है, ठीक है। ये बहुत रुकी सी एनर्जी है, बहुत आराम से ये रुके हुए हैं, ये वेट कर रहे हैं चीज़ें जो हैं वो खुद से अपने प्लेस पे आ जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, ट्रैक पे आ जाए, जो भी चीज़ें बिगड़ी हैं आप दोनों के बीच, ये बहुत आराम से हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि टाइम दे, हीलिंग करें, जो भी अभी आप दोनों के बीच में जो स्पेस है उसको ये यूटिलाइज़ करें। और मे भी कुछ लोगों के लिए ये इंसान मेडिटेशन कर रहे होंगे, कुछ लोगों के लिए ये इंसान अपने ऊपर काम कर रहे होंगे, हीलिंग कर रहे होंगे, कुछ ऐसा कर रहे होंगे ताकि वो खुद को हील कर पाएँ, क्योंकि इनके अंदर बहुत सारी नेगेटिविटीज़ हैं जो कि हील होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ जब आप लोग अपनी हीलिंग करते हो ना, क्योंकि ये मिरर कर रहे हैं आपको, इनकी एनर्जी आपसे मिरर हो रही है, ठीक है। जब आप हील होंगे ना तो आपको रिफ्लेक्शन दिखेगा, यहाँ ये आपका फेस है कि उनका फेस है, ठीक है। ये
देखिए एनर्जी है, ठीक है, आप एनर्जी पे लीजिए। ये आपके पार्टनर का फेस हो सकता है, ये आपका फेस हो सकता है, एनर्जी पे लीजिए। यहाँ पे जेंडर की बात मैं नहीं कर रही हूँ, एनर्जी है, ठीक है। सपोज़ आपका मेकअप सही नहीं हुआ है, ये आपके मिरर हैं, आपका मेकअप सही नहीं हुआ है और आप अपना मेकअप सही करना चाहते हो, आप कहाँ मेकअप करोगे? अपने फेस पे मेकअप करोगे, राइट। शैडो को ठीक करोगे, लिपस्टिक ठीक करोगे, आईलाइनर को ठीक करोगे, यहाँ आईना पे जो है ये मिरर, उस पर साफ़ करके कोई फ़ायदा है क्या? यहाँ ठीक होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा, है ना। आपको अगर यहाँ ठीक करना है तो इसको ठीक करना होगा आपको, ठीक है, आपको अपना फेस ठीक करना होगा। तो जो भी रिफ्लेक्ट होगा वो यहाँ होगा। तो अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ सही नहीं दिख रहा है तो सबसे पहले अपने ऊपर काम कीजिए, वही होती है हीलिंग। क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, आपकी एनर्जी इनकी एनर्जी, आपकी एनर्जी पिक कर रहे होंगे, आप इनकी एनर्जी पिक कर रहे होंगे, तो यू नो, अच्छा सोचेंगे आप तो यहाँ रिफ्लेक्ट होगा, अगर आप खराब सोचेंगे इनके बारे में तो भी यहीं रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। इसलिए अपने अंदर काम कीजिए, अपनी हीलिंग कीजिए। जो भी इनके अंदर दिख रहा है, मे बी आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं ये, आपको इन्होंने धोखा दिया है, चीटिंग की है आपके साथ, कुछ पास्ट की ऐसी चीज़ें होंगी जो आपने होल्ड करके रखी है, जो आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है, उसको रिलीज़ कीजिए, यहाँ ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ ठीक करना है आपको, आपको पहले अपने अंदर चेंजेस करने होंगे, तब आपको वहाँ चेंजेस दिखाई देंगे, ठीक है। सो ये बहुत आराम से हैं, ये किसी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, ये आपसे इनिशिएट नहीं कर रहे हैं कॉन्टैक्ट, ये आपको कोई हिंट नहीं दे रहे होंगे, जो पहले आपको कभी कभी हिंट दिया भी करते थे, अभी इनकी तरफ से कोई हिंट नहीं होगा। ये अपने आपको पूरा क्लोज ऑफ करके रखे हैं, ये कहीं से भी नहीं दिखाना चाहते हैं कि आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, ठीक है, अभी ऐसा है इनका। चाहते ज़रूर हैं आपके साथ एक न्यू बिगनिंग, एक सॉलिड बिगनिंग, एक पैशनेट रिश्ता, एक सोलफुल रिश्ता ज़रूर चाहते हैं आपके साथ, लेकिन ये अपने आप को क्लोज ऑफ करके रखे हैं, ये कहीं से भी कुछ भी हिंट आपको नहीं दे रहे होंगे, ठीक है। लेकिन ये आपके साथ ये रिश्ता जो है, एक सोलमेट वाला जो रिश्ता, एक सोलफुल रिश्ता जो है, वो ज़रूर फील कर रहे हैं, एक्सपीरियंसिंग। देखिए ये जो लेडी है वो इस पेड़ को बहुत आराम से हग करके रखी है, तो एक वननेस की एनर्जी, ठीक है। आप, आपके पार्टनर, डिवाइन, यूनिवर्स, सब उनको यू नो, अभी कुछ सिंक्रोनिसिटीज, कुछ साइंस मिल रहे होंगे, या फिर आपका नाम उनको हर जगह रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, आपके नंबर्स उनको दिख रहे होंगे, आपके जो आपका जो मोबाइल नंबर है वो दिख रहा होगा, आपका यू नो, डेट ऑफ बर्थ कहीं दिख रहा होगा, कोई ऐसा गाना जो आप उनको डेडिकेट करते थे वो हमेशा उनको यहाँ वहाँ से सुनाई देता होगा, आपका नाम कहीं दिखता होगा उनको, तो वो कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं आपके रिलेटेड, ओके। तो इसलिए ये इंसान, इनको पता है कि टाइम के साथ सब कुछ ठीक हो जाएंगी चीज़ें, इनको बहुत ज़्यादा यू नो, हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, तो इनको पता है कि सब कुछ जो है वो एक दिन चेंज होगा और आप दोनों जो है मिलेंगे फिर से, ठीक है। तो ये है आपके रिश्ते का ऑब्स्टिकल। हम चेक कर लेते हैं कि वो क्या बोलना चाहते हैं आपको, क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। डिवाइन प्लीज़ गाइड सम मैसेजेस, प्लीज़ डिवाइन। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं डिवाइन, प्लीज़ गाइड। Please guide divine. Okay. गाना मुझे नहीं पता ये कौन सा गाना है, तुझे कैसे पता ना चला, लिरिक्स इसके क्या है मुझे बिल्कुल नहीं पता है, तुझे कैसे पता ना चला, ठीक है। कब का गाना है, नया है, पुराना है, आई डोंट नो, ठीक है, एक बार चेक कीजिए ऐसा कोई गाना है भी कि नहीं YouTube पे, तुझे कैसे पता ना चला। ये गाना आप लोगों के लिए, ठीक है, आई थिंक है ऐसा कोई गाना, है ना, तुझे कैसे पता ना चला, पता नहीं क्या है वो। सम मोर मिस्ट्रीज प्लीज डिवाइन, वन मोर टाइम प्लीज। We have never only been friends. ये आपसे कोई कोई मतलब आप लोगों के दिमाग में, किसी के दिमाग में हो सकता है कि आप सिर्फ इनके फ्रेंड्स बन के रहेंगे, चलो हम लोग एज फ्रेंड्स ही रहते हैं अगर और कुछ नहीं हो सकता है तो, बट ये आपके फ्रेंड्स वेंड्स बन के रहने वाले नहीं है, ठीक है। इनको ऐसा नहीं है कि ठीक है हम फ्रेंड्स बन के रहते हैं, ऐसा नहीं, ये नहीं रहेंगे आपके फ्रेंड बन के, इनको आपका प्यार ही चाहिए। ये डोंट रियलाइज व्हेन यू हर्ट मी, तो आप जब इनको, आप भी हर्ट करते हो, डेफिनेटली आप हर्ट करते होंगे इनको, और यू नो, होता क्या है,
जब हम किसी से शेयर करते हैं अपनी चीज़ें, तो हम हमेशा सामने वाले की जो कमियां हैं या फिर उन्होंने जो गलती की है हम वही शेयर करते हैं। हमने क्या गलतियां की, हमने क्या बोला, हम उसको हाइड कर लेते हैं, है ना। तो लेकिन आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि आपने भी इनको हर्ट किया है, तो इनका भी कहना यही है कि आप भी इनको हर्ट करते हो और ये आपको रियलाइज़ नहीं होता है, ठीक है। आई नो यू मिस मी। तो इनको पता है कि आप इनको बहुत मिस कर रहे हो, ठीक है। ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप भले ही नहीं दिखा रहे हैं अभी, आप भी इनकी तरह क्लोज ऑफ हो, आप भी इनकी तरह ही कोल्ड बिहेव कर रहे हो, आप भी यही दिखा रहे हो कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन इनको बहुत अच्छे से पता है कि आप जो है इनको बहुत मिस कर रहे हैं, ठीक है। एनर्जी पिक करते होंगे आप लोग, बहुत बैलेंस में रहते होंगे, और सम टाइम ऐसा लगेगा कि यू नो बहुत हेवी हार्ट, और बहुत ऐसे लगेगा कि कुछ यू नो हार्ट चक्र में से बहुत ज़्यादा हेवी कुछ रख दिया है किसी ने, और सांस लेने में दिक्कत होती है, रेस्टलेसनेस होता है, तो ये इनकी एनर्जी आप पिक करते हो, ठीक है। अगर आप बहुत बैलेंस हो तो ये इनकी एनर्जी उस टाइम ऐसे होती है जब आप ये फील करते हो। तो आई लव योर वॉइस, आई फील रिलैक्स। तो जब भी आप बात करते हो इनसे, इनके पास रहते हो, इनको बहुत रिलैक्स लगता है आपकी आवाज़ सुनकर, आपकी बातें सुनकर। सो स्वीट, योर साइलेंस इज किलिंग मी। तो आप जो चुप हो ना, ये इनसे बर्दाश्त के बाहर है इनका, ठीक है। जो आप कभी चुप नहीं होते थे, आप हमेशा यू नो इनिशिएट करते थे कॉन्टैक्ट, आप इनको मनाते थे, माफ़ कर दो और नहीं करूँगा, नहीं करूँगी वाली चीज़, अभी ये बहुत मिस कर रहे हैं, और आपकी साइलेंस जो है वो इनको, इनका इनकी जो जान ले रही है, ठीक है, इनको अंदर अंदर खा रही है आपकी साइलेंस, कि ऐसा कैसे हो सकता है, आप इतने चुप कैसे हो सकते हो, कैसे आप में इतना पेशेंस आ सकता है। ओके, आई एम वरीड अबाउट यू। तो ये बहुत आपके बारे में वरीड मीन्स एक इनसिक्योरिटी है इनके अंदर कि क्यों आप चुप हो, ठीक है, क्यों चुप हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके लाइफ में कोई और आया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कहीं और ध्यान दे रहे हो और इनके ऊपर आपका ध्यान नहीं है, ठीक है। यू आर माई सोल मेट, वाओ ब्यूटिफुल। तो इनको पता है कि आप इनके सोल मेट हो, सोल से कनेक्टेड हो आप, ठीक है। मुझे लगता है कि बहुत लोगों के लिए फुल मून तक, इस फुल मून तक कुछ ना कुछ आप अपने पार्टनर से ज़रूर रिसीव करोगे, कोई कॉल मैसेज, कुछ ऐसे हिंट या फिर ऐसा कुछ भी, ठीक है। ज़रूर इस फुल मून तक कुछ लोगों के लिए, मैं सबके लिए नहीं कहूँगी, बट कुछ लोगों के लिए इस फुल मून तक यू नो आपका रियूनियन हो सकता है, रिकन्सलेशन हो सकता है आपका, ठीक है। बहुत ज़रूरी है कि अपने एनर्जीज पे आप काम करें, अपनी वाइब्रेशन को हाई करें। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप कि कुछ गाइडेंस आप लोगों को मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।